पे सोएगा तू? चल सो इसमें सो। चलो देखो ठंडी लगती है ना, आजा साइड में। नहीं रखेगा। चल सो जा। देख कितना बदमाश, इसको खेलने के लिए चाहिए। हाँ अब नहीं ठंडी लगी है मैक्स को। ऐसे डबल करके बोलो लंबे में एक फोल्ड। कितना अच्छे से सोया है देखो। मैक रुक जा, इसको खोलते हैं, खोलते रुक जा। छोड़ी नहीं रहा, छोड़ी नहीं रहा। बस बस दोनों ने उल्टा किया। अच्छे से एंजॉयिंग। अरे अरे मैक्स सर हट। चलो हो गया, सो जा सो जा। खिसकते रहेगा। सो यूजुअली मैक्स सोता नहीं है ऐसा बिस्सा लगाकर, बट आजकल ठंडी चालू है उससे भी ठंडी लगती है, पूरा एकदम पूरा ऐसा सो जाता है। तो इसलिए हम लोग ने सोचा यहाँ पर उसे चादर लगा देते, तो ये यहाँ पर पूरा लगा है। इट्स 6:20 इन द मॉर्निंग राइट नाउ एंड ये चूहा ने हमारी नींद खराब कर दी है, सभी की नींद। सोनाली और पूजा देखिए कैसे डर डर के सो रहे। सोनाली तैली हिला, पक्का उधर आया रहेगा। तो जब मैं यहाँ पर सोया था मेरा हाथ यहाँ पर था, चूहा को लगा कुछ तो खाने के लिए, चूहा ने मेरा जो ये मिडल फिंगर है यहाँ पर उसने काट दिया था। और मेरे को स्टार्टिंग में क्या लगा कि ऊपर से सोनाली या तो पूजा है, उन्होंने पैर रखा और मेरे को लग गया। बट जब किसी का आवाज नहीं, मैं समझ गया चूहा था। जैसे लाइट मैंने चालू किया, चूहा यहाँ से निकला और इसके अंदर गया। सो फिलहाल तो वह अभी अंदर छुपा है, अब पता नहीं कब निकलेगा। अब लगता है सुबह उठने के बाद निकालना पड़ेगा। अब मुझे तो सोफे में सोना पड़ रहा है, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही। और सोनाली के साथ साथ पूजा भी डर गई। पूजा ने बोला लाइट चालू करके रख। तो अभी तक बाहर अंधेरा है, पूरा रूम में भी अंधेरा है, बट सिर्फ यहाँ पर लाइट चालू है क्योंकि इन्हें डर लग रहा है। मैं तो सीधा बाहर चले गया, मैं बाहर जाकर सो रहा हूँ अभी। हमारे वजह से बेचारा मैक्स भी उठ गया। सो जा मैक्स, सो जा। मैं हैप्पी मकर संक्रांत, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए अपने। हाँ पापा, पापा उठो, हैप्पी मकर संक्रांत, 1,000 सब्सक्राइबर हो गया अपना। मैक्स हैप्पी मकर संक्रांत, गुड बॉय, हैप्पी मकर संक्रांत, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए अपने। थैंक यू दिव्या, हैप्पी मकर संक्रांत, 1,000 सब्सक्राइबर हो गए अपने। उठो उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे सुबह के 9:45 एंड आज फाइनली 1,000 सब्सक्राइबर हो चुका है। थैंक यू टू एवरीवन, आप सभी के वजह से हुआ है। एंड हैप्पी मकर संक्रांत टू यू एंड योर फैमिली। आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है, आज मकर संक्रांत है। मकर संक्रांत मीन्स तिलगुड़ है, गुड़ बोला मतलब तिल का गुड़ लो और एकदम अच्छा अच्छा साफ साफ अच्छी अच्छी चीजें बोलो। उसी के साथ 1,000 सब्सक्राइबर भी हो चुका है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी फिलहाल नहाने जाता हूँ, नहा कर आने के बाद कुछ स्पेशल देखते हैं, कुछ तो स्पेशल करेंगे। कितने क्या स्पेशल हो सकता है। बैक फ्रॉम बाथ, वैसे मैंने 2 दिन पहले से सोच लिया था कि 1,000 सब्सक्राइबर के लिए कुछ तो हम लोग स्पेशल करेंगे। तो जो आज स्पेशल मैं करने जा रहा हूँ वो है कुकिंग। पिछले टाइम जब 500 सब्सक्राइबर हुए थे तभी मैंने कुकिंग किया था, तो सोचा आज भी कुकिंग करूंगा। तो जो कुकिंग है वो मैं दोपहर को करने वाला हूँ लंच होने के बाद। तो जो भी सामान चाहिए वो लेकर आना पड़ेगा, तो वो जाकर लेकर आ जाते हैं। बट पहले मम्मी को पूछते हैं मूंग दाल है कि नहीं। मम्मी मूंग दाल है? ओके तो मुझे मूंग दाल लाना पड़ेगा। मूंग दाल के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी लेकर आना पड़ेगा। तो फटाफट जाते हैं मार्केट, शॉपिंग कर लेते हैं और फिर बाद में जब दोपहर का लंच हो जाएगा उसके बाद मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा कुकिंग का। काके फूल गोभी भी पिला। हाँ जाना है, सारा सामान ला लिए। अब सबकी कटिंग करके साइड में रख देते हैं क्योंकि अभी दोपहर में मुझे खेलने भी जाना है। तो खेल कर आने के बाद फिर बाद में पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो भी सारा पूरा कटिंग्स करना है, सब सेट करके रखना है, मैं वो अभी से रख रहा हूँ। उसके बाद सब्जी सब कुछ रहेगा, वो मैं फ्रिज में रख दूंगा। फिर जब खेल कर आ जाऊंगा तब मेरे को इजी हो जाएगा, तो कुछ टेंशन नहीं है। तो फटाफट वो पूरा सेट करके रख देते। आज तू जल्दी आ गई, 1K क्या हो गया, तो आज जल्दी कैसे आई? चूहा भगाने का है। हाफ डे हाफ डे। हाँ पूजा तुम लोग अभी आज चूहा भगाओ। चल तू, कौन कौन रेडी है चूहा भगाने के लिए? मैं
तू तो उस दिन दिव्या बोल रही थी तेरे को भगाने का, तो भगा नहीं, मेरे को सिर्फ अंदर आके एंटरटेन होना था। नहीं रे, भगाने का है ऐसे करना भाई, भगाते चूहा इन लोगों के पास जाते नहीं, हम दोनों के पास ही आता है। देखा नहीं 6 बजे मुंह कैसा हो गया तो मेरा कराने आदि में ऐसे ऐसे कर रही है। ये बनाने में पूजा एंड दिव्या दोनों मुझे हेल्प कर रहे हैं। दिव्या यहाँ पर मटर छिल रही है, पूजा यहाँ पर फूल गोभी छिल रही है। ऑफिस से डायरेक्ट आते ही यहाँ पर काम करने के लिए बैठ गई। तो हम लोग का तो बहुत सारा चीज हो चुका है काम, तो मेन रात के टाइम है। टमाटर मैं लेट बाद में छिलूंगा जब मेन काम स्टार्ट करूंगा, और कांदा भी बाद में करना है, बट इसको पूरा छिल के थोड़ी देर पानी में रख दूंगा, इसमें अभी पानी लेना बाकी है। तो ये पूरा कर देते हैं। अब मैक्स भी हमारे बाजू में बैठा है, मस्त होया है, खेलकर आ चुका। अब करते कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट। तो आज हम लोग बनाने वाले मसाला मूंग दाल खिचड़ी, थोड़ा स्पेशल रहेगा, नॉर्मल खिचड़ी नहीं है। इसमें बहुत सारे चीजें हैं, तो जैसे जैसे मैं डालते रहूंगा मैं आपको बताते रहूंगा क्या क्या है, क्या डाला है मैंने। तो सबसे पहले मैंने लिए मूंग दाल एंड राइस, दोनों 5-5 कप लिए। तो ये मेरा कप है, हम लोग यूजुअली इससे ही मेजर करते हैं, तो यही कप से मैंने 5-5 कप दोनों को मेजर कर दिया। इसे अभी धोते हैं। कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें ऑयल, बेलीफ, करी पत्ता, ऑनियन, जीरा, मिर्ची, ये सब कुछ डाल दिया है। बाकी का सारा चीज यहाँ पर है, तो ये भी एक एक करके डालेंगे। अभी फिलहाल ऑनियन अच्छे से पक रहा है। फाइनली कांदा अच्छी तरीके से पक गया। अब डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। वाओ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते क्या खुशबू आने लगी। और आज अपनी चाय किचन में पियेंगे, तो मम्मी ने मुझे चाय भी दिया, तो चाय पीते पीते मैं काम कर रहा हूँ। तो अब हम डालेंगे पूरा सब्जी। सब्जी में मैंने कॉलीफ्लावर लिया है, बीन्स लिया है, ग्रीन पीस लिया है, गाजर लिया है। आप आपके मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो। इसमें अभी पीस नहीं है, ग्रीन पीस यहाँ पर है, तो ये सब डालने के बाद मैं वो भी डाल दूंगा। फाइनली सब सब्जी डाल दिया है, बस मैंने टमाटर नहीं डाले, टमाटर बाद में डालेंगे। एंड जैसे कि ये प्रेशर कुकर में नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मल पतीले में बना रहा हूँ, तो इसे अभी लीड डाल के थोड़ा 5 मिनट पकने देंगे, क्योंकि इसमें गाजर और मटर है जो कि ज्यादा टाइम लेगा। तू इधर क्यों आए थे सूंघने के लिए? मेरे को यही पसंद आ गया, उधर लेट के मस्त खाने का देख रही थी और अचानक से अच्छा खुशबू आ रहा है, खुशबू एक नंबर आ रहा है। बिना अभी तो अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। क्या हुआ, किधर से आवाज आ रहा है? तेरा मुंह ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ मम्मी? तो हमने कपड़ा रखा उधर, ऐसे 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 आवाज आया छेछे। आज तुम दोनों ट्राई करो। वो बॉक्स बिक्स लाके मम्मी, बॉक्स लाके मम्मी, नहीं तो तू और पापा। तू मम्मी और पापा, जा पापा को बुला, पापा को बुला। पापा चलो और एक 5 किलो वजन घटाने के लिए चूहा को भगाना है। पापा परेशान हो गए, पापा जाओ ना उधर है, फिर हम लोग कैसे सोएंगे आज रात को। मम्मी ने देखा, मम्मी बोली सुना आवाज, बाद में करेंगे उसको टाइम। सो यहाँ पर गाजर और मटर दोनों ऑलमोस्ट पक गए अच्छी तरीके से। तो अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद भी 5 मिनट तक इसे अच्छे से कुक होने देंगे, तो बाकी का जो है वो और अच्छी तरीके से पक जाएगा। टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब बारी है ये पूरा राइस डालने की। ओ भाई ये तो सूख गया आराम से, इसको थोड़ा गिल्ला करना पड़ेगा। ये तो पूरा जम गया है, ये क्या हो गया? ये बर्फ डाला जा रहा है। यहाँ पर सीन हो चुका है, ये पूरा पतीला भर गया है। एक्चुअली जो मैंने रेसिपी देखी थी वो नॉर्मल थी, मैंने उसको 5 गुना किया था ताकि सबको ज्यादा हो। और मुझे ये पतीले का पहले से डाउट था कि इसमें आएगा नहीं, मैंने मम्मी को पूछा भी था कि कोई दूसरा पतीला है क्या, तो मम्मी ने बोला दूसरा नहीं, यही सबसे बड़ा है। तो इसमें बनाने गए और इसमें कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया। अभी तो मुझे 10 कप पानी और डालना है, मैंने 10 कप कम डाला है। सो अभी हम लोग ने सोचा सारा मसाला सब कुछ इसमें डाल दे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें लेंगे, तो आधा इसमें पकाएंगे आधा इसमें पकाएंगे, देखते हैं अब क्या होता है। मम्मी और पूजा को बुलाने के बाद इसको आधा आधा कर लिया है, अब लास्ट में देखते हैं क्या टेस्ट आता है, कैसे बनता है। फिलहाल इसे अभी लीड लगा कर थोड़ा देर पकने देते हैं। ये तो फटक से 5 मिनट में हो गया है, इसका टेस्ट अच्छा है, सिर्फ कलर ज्यादा नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ से पानी यहाँ पर शिफ्ट किया था, तो थोड़ा सा अलग कलर आया, बट आई थिंक सो इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा।
दोनों का हमने टेस्ट कर लिया। जो छोटा वाला कंटेनर था उसमें थोड़ा नमक कम था, तो उसमें वापस से हम लोगों ने नमक डाला। जो बड़ा वाला है उसमें एकदम परफेक्ट नमक था। अभी उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग इसका पूरा फाइनल पकने का वेट कर रहे हैं। पकने के बाद फिर इसके ऊपर तड़का मारेंगे। तड़के के लिए मिर्ची और गार्लिक दोनों रेडी है। और इसी के साथ जब तक मसाला खिचड़ी रेडी हो रहा था, तब तक मैंने मम्मी को भी हेल्प कर लिया था, तो मम्मी का भी भाजी तोड़कर हो चुका है। अब जैसे ये हो जाएगा फिर मम्मी अपना काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर देगी। तो फाइनली हमारा मसाला मूंग दाल खिचड़ी रेडी है, बस अभी तड़का मारना बाकी है। तो यहाँ पर अभी मैंने घी के साथ गार्लिक डाल के रखा है, अभी लास्ट में ये मिर्ची डालेंगे। फिर मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, उसके बाद इसमें पूरा पोर कर देंगे। तो घी ठंडा होने के बाद मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डाल दिया था। थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए, नहीं तो फिर जो रेड चिल्ली पाउडर है वो पूरा जल जाएगा। तो अब डालते हैं इसमें और पूरा तड़का मार के कर देते हैं इसको फिनिश। 1 2 3 गो। हैप्पी बर्थडे सब्सक्राइबर। प्रोसेस चालू है, डिस्कस हो रहा है कौन क्या काम बांटेगा। मम्मी क्या कर रही है तब तक? ओके। मैं दिव्या रिपोर्टर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये ख्याल कैसे आया? ये सिर्फ मेरे तरफ से नहीं है, ये मेरे पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से। खर्चे से डाल। तो मैंने सोचा ये बेस्ट वे रहेगा, 500-600 रुपए का केक लाना, उससे अच्छा मैंने सोचा ये। बाकी का सामान मैं उतने में ला लूंगा, और जो भी गरीब लोग है जिसको खाने को मिलता नहीं है तो उसे दे देंगे, मिल बांट कर खाएंगे। तो बाकी का थोड़ा सा हमने हमारे लिए भी रखा है और उन्हें भी दे देंगे। आपको क्या कहना है? अच्छा काम है। फाइनली सारा पैकिंग हो चुका है, अभी हम लोग का एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ पर जाना है। पूजा को कुछ जगह पता है, कुछ जगह मुझे पता है, तो देखते जहाँ पर भी कोई भी मिल जाएगा वहाँ पर दे देंगे। जितना हमसे हुआ, जितना कंटेनर भर गया, वो सब हम लोग लेकर जा रहे। तो दो थैली की है, दोनों थैली दिव्या अपने स्कूटी में रखेगी, तो दिव्या और दिव्या के साथ पूजा स्कूटी में रहेगी, मैं और सोनाली बाइक पे रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। गुड बोल। हैप्पी बर्थडे सब्सक्राइबर। सॉरी।